अभी आपने क्या करना है, नाइफ को खींच कर कोई गर्दन पे इसको मारता है तो इस हाथ को आगे रखना है ऐसे, ये चीज यहाँ दूर, ये पास ये ब्लॉक नहीं रहेगा, ये सीधे गर्दन में लगेगा, ये दूर से और ये रहता है। इसमें प्रैक्टिस कैसे करना रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करना क्या रहता है, इसके आर्म को यहाँ से, नाइफ को नहीं यहाँ से इसके आर्म को, इस वाले हिस्से को अगर आप देखोगे अटैक तो तुरंत आपको निगाहों पे आ जाएगा, इस वाले हिस्से को देखना है, ये नीचे से अटैक, ये इसको बस आपने इसके आसपास ही रखना है हाथ को, इस एरिया में रुकेगा या इस एरिया में रुकेगा, रुकेगा जरूर, ठीक है, इससे बचना बचाव करना, और यहाँ से अगेन इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ये 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। नाइफ को कभी भी हमने इस तरीके से या फेंक के मारने उससे नहीं पकड़ना है, ये सोचते हैं हम कि खींच के मार देंगे लग जाएगा, नहीं, हमेशा डिफेंस के लिए पकड़ना है ताकि हम पंच भी कर पाएंगे और यहाँ से भी और सामने से इसे डिफेंस भी कर पाएंगे, कोई चीज़ मारता है तो उसके दिशा को देखते हुए हम इस तरीके से या दूसरे तरीके से एंगल से नाइफ के ऊपर ही इसे डिफेंस भी कर पाएंगे। तो सबसे पहली पकड़ हमारी ये होती है 1 and 2, ठीक है, और ये 3, 4 and 5, इस हाथ को डिफेंस में रखना है 1, 2, ठीक है, फिर ये नीचे आती 3 and 4, हमेशा जस्ट रिमेंबर 1, 2, यस 1, 2, नाइफ का हिस्सा जो हमने उंगलियों में फंसा रखा होता है वो चीज़ सामने इधर मारना होता है और उसी में यहाँ से बाहर मारते हुए ही इसे बाहर निकालना होता है और उसी में उस चीज़ को रोटेट भी करना होता है, ठीक है, इसमें ग्रिपिंग नहीं बनी है, नहीं तो मैं रोटेट भी करके दिखाता, यहाँ से 1, यहाँ से 2, कभी भी नाइफ को यहाँ नहीं पकड़ना है, ये नहीं पकड़ना है, ये कभी नहीं, ये इस तरीके से, ठीक है, ये पकड़ करके रखना, पंच भी अटैक करना है और नाइफ भी अटैक करना है और सामने से आप स्ट्रेट अटैक भी कर सकते हैं। ग्रेडिंग इन पंच क्या होता है, फुल बॉडी रोटेशन, ड्यूअल हैंड एंड साइड क्रॉस पंच, कैसे करना है, जस्ट हमको हाथ को यहाँ से क्रॉस करना है, स्टेप टू खोलते हुए हाथ को ये और इस हाथ को ऊपर ऊपर लाते हुए ये चीज ये यहाँ एंड यहाँ से ये पंच, देखिए ये खड़े हैं और यहाँ से ये क्रॉस करेंगे, ये एक हाथ सीधा रहेगा एक हाथ ये 1, 2, 5, ठीक है, ये देखिए खड़े हैं नीचे लाए और यहाँ से ये क्रॉस एंड ये स्ट्रेट पंच, सेम इधर से भी यही चीज़ होगी, ये क्रॉस एंड पंच, ठीक है, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ब्लॉक और नीचे का ये ब्लॉक, इसमें देखिए खड़े हैं 1, लेग को क्रॉस, लेग क्रॉस एंड 1, 2, 3, 4, कैसे होगा ये देखिए 1, 2, यहाँ से किक आगे, किक को आगे रखेंगे और यहाँ से ये पंच, पंच मारते हुए पूरा सीधा हो जाएंगे, देखिए और ये करना इस तरीके से और इस तरीके से करना, अभी उसके बाद में जब बताया था सेटल हो जाते हैं फिर इस तरीके से इसको यहाँ लाते हैं, अभी हमने 1, 2, 1, 2, 1, 2, ये सामने ये बैक 1, 2 एंड ये स्ट्रक्चर सही करना है वापस से, ये 1, 2, ये याद रहे हाथ यहाँ से पीछे रहे, ये हाथ को अगर यहाँ से रोटेट करोगे तो आ करके ये चीज़ इस हाथ में ऐसे लगेगी, तो हमने क्या करना है हाथ को इस तरीके में मुड़ा हुआ कभी भी क्लाई को सामने 1 and 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है 1 and 2, इस हाथ को ब्लॉक पे हमेशा फेस के ब्लॉक पे, अगले पास में नाइफ होगा तो ये हमें रोकना है हाथों से, बॉडी पे नहीं लगने देना नाइफ को कभी भी, ये 1, 2, यहाँ से 1, 2, 3, 1, 2, 3।